हेलो दोस्तों, यह एक गांव है नारायणपुर। यहाँ जैसा आप ये सामने देख रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। तो सामने आप देख रहे हैं, ये सागर जिले की बॉर्डर है और ये गांव जो है हाइट के ऊपर बसा हुआ है और लगभग 75 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है। वो सामने आप देख रहे हैं, वो सागर जिले की बॉर्डर है और वहाँ वो जो उसकी डेप्थ है, उस एरिया की डेप्थ है 75 मीटर नीचे है जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि ये जो है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये फॉरेस्ट का एरिया है, वन विभाग का। हाँ, ये सामने जो है नवलपुर गाँव है, केसली ब्लॉक का, जिला सागर का। आप देख रहे हैं इस तरफ फॉरेस्ट है और इस तरफ जो गांव है, मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, वो गांव है नारायणपुर। यहाँ विगत 70 वर्षों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे पहले की एजेंसियाँ, यहाँ पानी नहीं निकला है। आज इस गांव का जो है हमारे द्वारा विस्तृत भ्रमण करके सर्वे किया गया, लेकिन यहाँ पर पानी मिलने के जो है कोई विशेष संकेत हमको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अब ये इस साइड जैसे आप देख रहे हैं, इधर एक बांध बना हुआ है, ये नवलपुर का बांध है। तो इस बांध में तो पानी है, लेकिन इस गांव में पानी कहीं से भी नहीं आया। अब आप यहाँ ये देख रहे हैं, एक पुलिया बनी हुई है इन पहाड़ों का और इस गांव का। पूरा पानी जो स्लोप है, पूरा 75 मीटर नीचे तत्काल चला जाता है, इसलिए यहाँ पानी रुकने का कोई चांस नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड मैसिव राख है, वॉल्केनिक राख है, हार्ड राख है, जिसके कारण पानी नीचे सीपेज नहीं होता है। तो पूरा गांव घूमने के बाद में मैं इस कॉर्नर पे आया हूँ और जहाँ से पानी भग जाता है वो स्थान ये है, ये दिख रहा है आपको, ये स्थान, यहाँ से ये पूरा पानी भाग जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाया हूँ कि इस पहाड़ का आने वाला पानी जो है, जो डायरेक्ट पानी भग जाता है, मतलब जो डायरेक्ट पानी चला जाता है बह के ड्यू टू स्लोप, उस स्लोप से बचा के और दूसरी एंटी डायरेक्शन में यहाँ से 80-90 मीटर की दूरी के ऊपर में, और मेरे द्वारा पॉइंट सेलेक्ट किया गया है और वहाँ पर पानी मिलने की संभावना है। तो जब भी आप लोग साइट सेलेक्ट करें तो इस तरह के पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखें कि इस जगह आने वाला पानी कहाँ से निकल जाता है और कौन सा पानी बह के निकल जाता है, वहाँ ट्यूबवेल करना है या नहीं करना है, और किस जगह पे पानी स्टोर ज़मीन में हो रहा है। क्योंकि हमारा जीवन जो है बारिश के पानी के ऊपर निर्भर है, इसलिए बारिश के पानी को ही प्राथमिकता देना है, उसी से जीवन चलना है। तो इसलिए वो आप देख रहे होंगे आगे, वो जो झाड़ दिख रहा है, उस झाड़ के पास में हमारे द्वारा पॉइंट सेलेक्ट किया गया है। देखते हैं कि क्या सफलता या असफलता मिलती है, क्योंकि अंतिम एकमात्र उचित विकल्प के रूप में यही स्थान मेरे द्वारा चयनित किया गया है। धन्यवाद।